गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू गाइस रियली वेरी गुड। और आज मैं किसी भी टॉपिक पे डिस्कस नहीं करने वाली हूँ। मैं स्ट्रेट अवे आज एक बात आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ, तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखना। और अगर आप मेरे बातों से अग्री करते हो तो डेफिनेटली मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आप क्या सोचते हो, मैं जो बोलने वाली हूँ वो सुनने के बाद आपका क्या रिएक्शन है, आप लोगों का क्या सोचना है, मुझे ज़रूर ये बताना। और अगर आप लोगों को लगे कि मेरी हर एक बात सही है तो फिर शेयर करना। अगर आप लोग मेरे बातों से एग्री नहीं करते हो फिर शेयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हाल ही में एक केस हुआ है जो कि ट्विंकल शर्मा के ऊपर हुआ है। ये चीज़ फेसबुक एंड हर एक ऑनलाइन साइट पे अभी दिख रहा है। और सिर्फ यही नहीं, इससे पहले भी बहुत सारे ऐसे केसेस हुए हैं। तो जिन लोगों को इस बारे में कुछ मालूम नहीं है, लेट मी क्लियर दिस कि उसके साथ आखिर हुआ क्या था। तो उसके साथ जो है रेप हुआ था उसका, एंड उसके बाद बहुत ही बेरहमी से उसको मार दिया गया है। मतलब मुझे पहले पता नहीं था कि एक्चुअल में जो चीज़ हुआ है क्या हुआ है उसके साथ, लेकिन जब मुझे पूरा डिटेल जो है पता चला कि किस तरीके से, किस बेरहमी से उसे मारा गया है, तो सच में बोल रही हूँ मैं रोने तो लगी ही, लेकिन उसके साथ साथ मुझे उल्टियाँ आने लगी कि ये सोच के कि किस तरीके से एक इंसान ऐसा कर सकता है। उसका जो स्किन है उसे, मतलब रेप करने के बाद उसका स्किन रिमूव कर दिया गया, उसका आँख निकाल दिया गया, बाल जो है काट दिया गया, नाखून उठा दिया गया है, एंड देन उसका जो बॉडी पार्ट्स है कुछ वो भी रिमूव कर दिया गया था, हाथ काट दिया गया था, एंड देन दे उन लोगों ने क्या किया, उसे एक डस्टबिन में फेंक दिया। ये हुआ था उस बच्ची के साथ। और उसके पहले भी बहुत सारे ऐसे केसेस हुए हैं जहाँ पे बच्चियों का बहुत ही बुरी तरीके से बलात्कार करके उन्हें हत्या, उनका जो है हत्या किया गया है। तो मेरा सिर्फ एक सवाल है आम लोगों से, देखिए खून सबका खौलता है, लेकिन हम लोग कुछ कर नहीं पा रहे हैं, या फिर हम कुछ करना भूल गए हैं क्या? क्यों? आप एक बात नोटिस करके देखिए, इस घटना के बाद और चार ऐसे घटनाएं हुए हैं अलग अलग जगह पे, चार और बच्चियां जो है उनका भी बलात्कार हुआ एंड वो लोग भी मारे गए हैं। आप लोगों को दिखेगा, मैं छोटे छोटे करके जितने भी कटिंग्स मेरे पास है मैं इस वीडियो में दूंगी, आप लोगों को दिख जाएगा। कहीं ना कहीं मुझे इन सब चीज़ों में एक चीज़ तो ज़रूर लग रहा है कि अभी जो है ये हैवान लोग जो ये घिनौने काम कर रहे हैं, ये बड़ों को तो टारगेट कर ही रहे थे, अब ये मासूम से बच्चे टारगेट हो रहे हैं। पता नहीं क्या मजा आ रहा है इन लोगों को ये करने के लिए, बट ये मासूम बच्चों को टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि ये मुझे लगता है, ये मेरा पर्सनल थिंकिंग है, शायद इन लोगों को लग रहा है कि ये करने से इन लोगों को कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये गलत है। आज मैं बोल रही हूँ, इससे पहले भी मैंने बोलने की कोशिश की थी, लेकिन उस वक्त कुछ ऐसे भी लोग हैं जो ये बोल रहे हैं कि आप कुछ कर सकते हो, अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो आप चुप रहिए। हम पता है मुझे पावर मेरे पास अभी नहीं है, या शायद कभी भी ना हो, लेकिन अगर हम सब एक हो जाए तो शायद पावर हमारे हाथ में हो। और इस बात को आप लोग जस्टिफाई कभी नहीं कर सकते कि कपड़ों के वजह से रेप हो रहे हैं। माना कि बड़ों का जो है, जो बड़ों का है उसका आप जस्टिफिकेशन दे सकते हो कि कपड़ों के वजह से उन लोगों का रेप हो रहा है, लेकिन इन बच्चियों का क्या?
इनका क्या है ऐसा? कुछ नहीं है इनके पास, एक बच्ची है। ये जितने भी रेप केसेस हो रहे हैं, और अगर आप अच्छे से नोटिस करो ना, तो निर्भया जो केस हुआ था उसके बाद पब्लिक को लगा कि ये जो रेप केसेस है ये कम हो जाएंगे, लेकिन आई एम सॉरी टू से ये कम नहीं हो रहा है, उल्टा ये चीज़ें और भी बढ़ रहा है डे बाय डे। सच्ची मैं बोल रही हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है हम लोग किस समाज में जी रहे हैं, किस सिचुएशन में जी रहे हैं। हर तरफ आप देखिए, यहाँ पे कुछ दिन पहले एक न्यूज़ आया, मुझे पता नहीं, याद नहीं आ रहा है वो कहाँ पे हुआ, कि 11 लोगों ने अपने आप को जो है हैंग कर लिया एक साथ। आज सुबह उठ के मुझे एक न्यूज़ आया, मैंने टीवी पे एक न्यूज़ देखा कि एक बिजनेसमैन ने उसकी वाइफ को भी गोली मार दी, उसके बच्चों को भी गोली मार दी और खुद को भी गोली मार दिया, और सब मर गए। यहाँ पे रेप केसेस जो है बढ़ रहे हैं, हर तरीके से, हर जगह से तनाव डे टू डे बढ़ रहे हैं, मगर क्यों, क्या मिल रहा है सबको ये सब करके? और इन रेपिस्ट को, रेपिस्ट के अगेंस्ट क्यों इतना लाइट? मेरे हिसाब से ये जो सजा इन लोगों को मिल रही है, ये असीफा का जो सजा इन लोगों को मिला है, बहुत ही कम है। इन लोगों का सजा होना चाहिए डायरेक्ट फांसी, या फिर पब्लिक के हाथ पे उठा दो, पब्लिक डिसाइड करेंगे इसका क्या, इन लोगों का क्या होना चाहिए, क्योंकि ऐसे दिन नहीं चल सकता। हमारे इस वक्त पे ये हाल है, तो सोचिए जरा, जब जनरेशन और थोड़ा आगे जाएगा, 10 साल और आगे जाएगा, तब क्या सिचुएशन होगा? हम लोग घर पे कभी बोर होते हैं, टेंशन में होते हैं, तो हम लोग सोचते हैं कि हम बाहर जाएंगे, वहां पे शांति मिलेगी, लेकिन मेरी एक क्वेश्चन है, शांति कैसे मिलने वाला है? घर में भी टेंशन है, बाहर निकलने पर भी एक टेंशन आ जाता है कि चलो मैं बाहर तो आ गई, मैं सेफ तो रहूंगी, मुझे कुछ होगा तो नहीं, मुझे कुछ उल्टा देखना तो नहीं पड़ेगा, कुछ अजीब सा देखना तो नहीं पड़ेगा, क्योंकि हर तरफ कुछ ना कुछ हो रहा है। देखिए इस वक्त आप लोग, मुझे पता है मेरी हिंदी इतनी भी ज्यादा अच्छी नहीं है, तो शायद काफी लोग ऐसे भी होंगे मेरी हिंदी को लेके कुछ बोलेंगे, तो आई एम सॉरी टू से, प्लीज इस वक्त मैं जो बोल रही हूँ इस बात पे ध्यान दीजिए। देखिए इस वक्त मेरी हिंदी को छोड़िए, और मैं जो बोल रही हूँ इस बात पे ध्यान दीजिए, क्योंकि ऐसे दिन नहीं चल सकता, सच में नहीं चल सकता। हर एक जगह, हर एक सिचुएशन जो है डे टू डे बदतर से भी बदतर हो रहा है, क्यों? और हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, कुछ भी नहीं, आई एम रिपीटिंग दिस गाइस, हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारे हाथ में पावर नहीं है। लेकिन मुझे लगता है अगर हमें अपने आप के भविष्य को बचाना है, तो पावर हमें अपने हाथ में लेना ही पड़ेगा। हमें ये सोचना छोड़ना होगा कि भाई अगर ये मैं आवाज उठाऊंगी तो बाहर में मुझे मार डालेंगे, फिर मेरे परिवार का क्या होगा। ये करते करते अल्टीमेटली जो है हम कोई आगे नहीं आ पा रहे हैं, और कोई स्टेप नहीं ले पा रहे, और जो लोग स्टेप ले रहे सब पीछे रह जा रहे, क्योंकि उनके बगल में खड़े होने वाला लोग कम हो रहे हैं। जरा सोचिए, मैंने जो भी बातें आप लोगों को बताई है, जरा सोचिएगा मेरी हर एक बात को। फिर मुझे एक ट्वीट दिखने को मिला सोनम जी का, वो तो छोड़िए, मैं बोलना भी नहीं चाहती, बॉलीवुड एक्ट्रेसेस के जो, कुछ एक्ट्रेसेस के जो थिंकिंग है, उससे मैं फिर से दोबारा रिपीट नहीं करना चाहती, आप सबको पता ही है। लेकिन आप लोग जरा सोचिए, इस तरीके से हर एक बच्चिया,
हर वक्त मर रही है। क्यों, फिर क्या फायदा है ये चीज करके कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ? कोई फायदा नहीं है बेटियों को बचाने के लिए, कोई फायदा नहीं है। अब तो पेरेंट्स यही सोचेंगे कि भाई मेरी बेटी ना पैदा हो, क्योंकि उन्हें ये एक ही थॉट दिमाग में आएगा कि उसका बेरहमी से मर्डर ना हो जाए, रेप ना हो जाए। बस मैं आज और कुछ नहीं करना कहना चाहती हूँ इस बारे में। जितना भी मैंने सोचा था मैं आप लोगों से शेयर करूँगी, मैंने शेयर किया है। अगर आप लोगों को मेरी बातों से कुछ भी ऐसा लगे कि हाँ ये सही बोल रही है या इसकी बातों में लॉजिक है, तो ये बात दूसरों को भी डिलीवर कीजिएगा। और अगर आप लोगों को लगता है कि मैं गलत हूँ, शायद मैं नहीं हूँ, फिर भी अगर आप लोगों को लगता है कि मैं गलत हूँ, फिर ये बात जो है, ये सारी बातें जो है डिलीवर मत कीजिएगा। इट्स कम्प्लीटली अप टू यू। मैं पूरी तरीके से ये जो बात है आप लोगों के ऊपर छोड़ रही हूँ। आप लोगों को जो भी सही लगे आप लोग बोलिए, बस नथिंग टू से। जस्टिस फॉर ट्विंकल एंड जस्टिस फॉर ऑल द गर्ल्स जिन लोगों के साथ ये घिनौना काम हुआ है या फिर होने वाला है, जो इन घिनौने कामों का शिकार होने वाले हैं, सबके लिए। ये लोग जो है ये काम कर रहे हैं, ये लोग इंसान भी नहीं है, पागल भी नहीं है, जानवर भी नहीं है, क्योंकि पागलों के अंदर भी कहीं ना कहीं एक ह्यूमैनिटी होती है। और जानवर के अंदर तो सबको पता है एक डॉग जो है कितना लॉयल होता है, कोई भी पेट्स कितना लॉयल होते हैं। उन लोगों के अंदर भी कहीं ना कहीं, वो ह्यूमंस होते नहीं है लेकिन उनके अंदर ह्यूमैनिटी होती है, लेकिन ये लोग शैतान से भी बदतर है। दैट्स इट टुडे, दिस मच। और मैं कुछ बोलना नहीं चाहती। बाय गाइस।